नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कल से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो रहा है। जी दोस्तों, अब आपको अपने जीवनकाल में भूल कर भी कुछ गलतियों को नहीं करना है, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप यह गलती पिछले समय अंतराल में अपने जीवन काल में करते आ रहे हैं तो दोस्तों कल से भूल कर भी आपको यह गलती नहीं करना है। इनसे दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आपके सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन काल की जो भी परेशानी बहुत समय से चल रही है, बहुत दिनों से आपको सता रही है, दोस्तों वे सारी समस्याएँ जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। जी दोस्तों, परंतु हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आपको अंत तक ध्यान से देखना है। जी दोस्तों, इस वीडियो में कोई शाबी पार्ट आप स्किप ना करें, क्यों दोस्तों इस वीडियो में जो भी एक बात होंगी दोस्तों हर एक बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होंगी। हर एक मेन बात इस वीडियो में बात करने वाले, हर एक मेन पॉइंट पर हम आपके जीवनकाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि दोस्तों 100% सटीक है, जो कि आपके जीवनकाल के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को जो भी जातक पहली बार भी देख रहे हैं वो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद अपने जीवनकाल में प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूरी लिखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप जरूरी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि दोस्तों आपके जीवन काल को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। आखिर आप कौन सी गलती अपने जीवन काल में कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, वे सारी बातें आपको बताने वाले हैं और दोस्तों सच सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं कि आपके होश उड़ने वाले हैं आज के इस वीडियो को देखकर। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अगर आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों अपने नसीब को आप चमका लेंगे और दोस्तों जो भी जातक आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस करेगा वो अपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ऐसे वीडियो बहुत ही कम बनते हैं जो आपके जीवनकाल की सारी सच्चाई को एक ही वीडियो में बता दें। जी हाँ दोस्तों, और कल से सावन का पावन महीना शुरू होने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करना है, कौन कौन सी बातों को अपने जीवनकाल में अब ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक होंगे, दोस्तों सभी के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों फिर से आप सभी को एक बार कह दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपकी राशि के जितने भी लोग होते हैं सरल स्वभाव के साथ ही बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील होते हैं। अपने परिवार के लिए आप अपने जान को भी निछावर कर सकते हैं, इतना बड़ा दरियादिली आप सभी के अंदर है। जी दोस्तों, आप सभी का जो भी जातक होते हैं दोस्तों दिल से बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा कर्मशील होते हैं। हमेशा आप जो भी कार्य करते हैं उनमें दिल से ही कार्य करते हैं, कभी भी आप रिश्तों में दिमाग का प्रयोग नहीं करते, ना ही दोस्तों आप रिश्तों में किसी को छल पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र में अपना नाम को बना लेते हैं। आप अपने अंदर ऐसी मोहक शक्ति रखते हैं कि दोस्तों सामने वाले व्यक्ति को आप मोह लेते हैं। आपकी आंखों में एक अजब सी ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी लोगों को अपने ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। जो भी आपकी राशि में जातक जन्म लेते हैं वो जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी अपने जीवनकाल में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव आप सभी के अंदर है और बहुत ही अच्छे कार्यों में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप गलत कार्यों में नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहकाते हैं फिर भी दोस्तों आप अपने
जीवन काल में उन्हीं कार्यों को करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जी दोस्तों, और आपके कर्म, आपके सिद्धांत कभी भी आपको दो नंबर के कार्यों की ओर अग्रसर नहीं होने देते हैं। हालांकि दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप अगर अपने जीवन काल में तरक्कियों को छूना चाहें, अगर आप अपने जीवन काल में ऊंचाइयों की उड़ान उड़न चाहें, तो दोस्तों बहुत ही ऊंचे छलांग आप लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ ऐसे अपने लोग होते हैं जो कि दोस्तों आपके ही साथ रहकर आपको हमेशा ही घात करने का प्रयास करता रहता है। जी दोस्तों, ऐसे लोगों से ही आप परेशान होते हैं। जी दोस्तों, चाहे दुनिया आपको हराने का कितना भी प्रयास करे, वो हरा नहीं सकता। आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में कई आपके ऐसे अपने लोग हैं जो कि आपके खुशियों से जलते हैं, जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। और दोस्तों, हमेशा वे आपके खुशियों के बीच रोड़े लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोस्तों आपके खुशियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। जब भी आप अपने जीवन काल में मेहनत से कुछ हासिल कर लेते हैं, जब भी आप अपने जीवन काल में कोई कामयाबी को प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों ये आपके अपने ही लोग ईर्ष्या की भावनाओं से आपके कार्यों को भंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा साजिशें करते हैं। कई बार ये आपको समाज में बदनाम करने की भी कोशिशें करते हैं। कई बार ये आपकी बातें किसी और के साथ ऐसी बताते हैं जिनसे आपका, किसी और के सामने आपका जो भी दिखावट है वो खराब हो जाए। आपकी छवि को खराब करने के लिए ये हमेशा सभी के पास चुगलियाँ करते हैं। जी दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं जो कि आपके अपने बन के आपको घात करते हैं। जी दोस्तों, और जब भी ये आपके सामने आते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं सामने में। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह इंसान पीठ पीछे आपके हर एक बुराई की ओर देख चुके हैं। जी दोस्तों, जिनसे आपकी कार्यों में बुराई हो, जिनसे आप बदनाम हो जाए, जिनसे आपके कार्य भंग हो जाए, दोस्तों इस प्रकार के सारे रास्ते इन्होंने देखे हैं और कई बार आप इनके जाल में फंसते भी गए हैं। कई बार दोस्तों, आपको अपने कार्यों में नुकसान भी हुआ है। कई बार आपको ऐसा भी लगा है कि आपके जीवन काल में बर्बादी ही बर्बादी है। कई बार आप जीवन काल में खुद सोचते हैं कि आखिर कब हमारे जीवन काल में खुशियाँ आएंगी, आखिर कब हमारे सपने सच होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके सपने सच होने में बिल्कुल ही देर नहीं लगेंगी। लेकिन दोस्तों, ये आपके अपने ही लोग जो शत्रु बनकर बैठे हैं, दोस्तों यही आपके कार्यों में भंग डालते हैं। यही आपके कार्यों में ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का कार्य धीरे धीरे बर्बाद होते रहता है। चाहे दोस्तों आपका कोई भी क्षेत्र हो, ये आपकी खुशी को देखना भी नहीं चाहता है। इसीलिए दोस्तों, ये आपके ऊपर इस प्रकार के कार्य करते हैं। कई बार आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही बड़ी सफलताओं को हासिल किए हैं, आप सभी का घर परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश है, और इनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो दोस्तों, ये अगर सामने से कुछ नहीं कर पाता है, जब उसका सब तरीका फेल हो जाता है, तो दोस्तों ये बुरे तरीके अपनाते हैं, यानी कि बुरा शक्तियाँ आप सभी के पीछे लगा देते हैं। कई बार इस अपने ही लोग ने आपके पीछे अघोरी से भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ करवाई हैं जिनसे आप मरते मरते तक बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवन काल की ये एक ऐसी छवि है जो दोस्तों आपको खुश नहीं देखना चाहता, जो आपको इस दुनिया से ही हटा देना चाहता है। तो दोस्तों, अवश्य आपको अपने जीवन काल में कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन से कार्य करने हैं, ताकि दोस्तों आप हमेशा अपने जीवन काल में खुशियों को प्राप्त करें और आपके रास्ते में ये दुश्मन कोई भी बाधाएं, कोई भी संकट नहीं डाल सके। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बहुत ही विस्तार तरीके से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना हो सके ध्यान से देखिएगा, एक भी शब्द को आप मिस मत कीजिएगा। अगर दोस्तों आज के इस वीडियो में कोई भी बात को आप मिस करेंगे, तो दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं आप बहुत ही अफसोस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप अपने जीवन काल में अफसोस ही करते आ रहे हैं। अभी तक आपको अपने जीवन काल में वो सफलताएँ नहीं मिली है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अभी भी दोस्तों आपके जीवन काल में आपको वो चाह है, अभी भी आप चाहते हैं कि हम बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, बहुत ही ऊंची उड़ान अभी भी आप उड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप रास्ते को सही तरीके से नहीं बनाएंगे, तो दोस्तों आने वाला समय आपका सही नहीं होगा, और जो भी आपका मंजिल है, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ तक जाने में आपको बहुत ही ज़्यादा
देरी लगेगी। इसीलिए दोस्तों कुछ बातों को अपने जीवनकाल में याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, कुछ लोगों को अपने जीवनकाल से निकालना भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और दोस्तों कुछ उपाय भी जीवनकाल में बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही चमत्कारिक साबित होते हैं, जिनसे व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, जिनसे सोचने का, देखने का और सुनने का नज़रिया बदल जाता है। तो दोस्तों आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अब से आपको अपने जीवनकाल में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, ताकि ये दुश्मन, ये शत्रु आपको दोबारा परेशान ना कर सके, और ये आपको कोई भी ऐसे रास्ते नहीं हैं जिनमें इन्होंने आपको परेशान नहीं किया है। इसलिए दोस्तों हम आपको हर एक रास्ते के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अब आपको इस शत्रु का पहचान करना होगा, जो भी आपके शत्रु हैं, जो अपने ही लोग बनकर आपको डंस रहे हैं। ये दोस्तों ये अपने बनकर आपको हमेशा डंसते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको क्या करना है कि अब से, आज के बाद से इन लोगों से आपको दूरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके अपने लोग हैं, जो भी आपके अपने बनकर शत्रु का कार्य कर रहे हैं, आपके मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन दोस्तों बाहर जाकर लोगों के पास आपकी बुराइयां करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी तरह इनकी पहचान कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रख लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि आप अच्छी तरह इस इंसान को पहचान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान कोई बाहर का इंसान नहीं है, ये इंसान आपके अपने ही हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। जी दोस्तों इतना तक हम आपको संकेत देते हैं। तो दोस्तों आप इस इंसान को अगर पहचान गए हैं तो आपको क्या करना है कि इस इंसान से आपको दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप अपने जीवनकाल में इस इंसान के साथ रहे हैं, इनके बातों पर चले हैं, लेकिन दोस्तों आपने यह देखा है कि अभी तक आपको वो सफलता नहीं मिली है जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जो सफलताओं को आप प्राप्त करना चाह रहे थे, क्यों दोस्तों समस्या आपके पास ही है। तो दोस्तों आप कैसे मंजिल तक जा सकते हैं, इसीलिए दोस्तों सर्वप्रथम इस व्यक्ति से आपको दूरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, इसे आपको बात तक भी नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप इसे बात करते हैं तो दोस्तों आपके जीवनकाल में फिर से समस्या आएंगी। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों दूसरा जो कार्य आपको करना है, जो बातों को आपको आज से अपने जीवनकाल में ध्यान रखना है, ये दोस्तों जो भी आपके जीवनकाल में कार्य होते हैं, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार अपने लोग होते हैं, दोस्तों उन पर आप आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों भले ही आपके राशि के बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, ये आपके अच्छे गुण हैं, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं यह गुण भी आपके लिए बुरे बन जाते हैं। जैसे कि आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, वैसे ही आप सोचते हैं कि अगला व्यक्ति भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचता होगा, अगला व्यक्ति भी आपकी ही तरह निश्चल स्वभाव का होगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपकी तरह सच्चा दिल इंसान कोई नहीं है, जो आपके अपने हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपके अपने बन रहे हैं दोस्तों, वास्तव में वो आपके अपने नहीं हैं, अपने बनकर आपको आपकी कमजोरियों का पता लगाते हैं। दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कारण छुपें, अन्यथा दोस्तों आपको भविष्य में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि आगे से अब आपको अपने जीवनकाल में एक और बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने कार्यों में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे कार्यों की शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत अपनाते हैं, बहुत सारे नए नए कार्यों को अपनाते हैं, नई योजनाएँ बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी आपके जीवनकाल में अब अच्छी शुरुआत होने वाली है, जो भी आप सफलताओं को हासिल करते हैं, चाहे आप कहीं पर जा रहे हो, चाहे आप कोई नई कार्य की शुरुआत कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसी बातों को किसी के भी साथ भूल कर भी आपको शेयर नहीं करना है। जी दोस्तों, आप हमेशा ऐसे ही गलती करते हैं जिनका खामियाजा आपको कई बार भी भुगतना पड़ा है, कई बार आपके ऐसे कार्य बनते बनते बिगड़ गए हैं जिनके बारे में आप सफलताओं की भी चाह रखे थे, जिन्हें आप देख रहे थे कि यह कार्य सफल जरूरी होंगे या फिर इनमें हम सफलता को जरूर ही प्राप्त करेंगे, लेकिन आपका कार्य बनते बनते ही बिगड़ गया है। तो दोस्तों अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जी दोस्तों, जब तक आपका कार्य सफल नहीं हो जाता दोस्तों, उसका उच्चारण किसी भी व्यक्ति के सामने आपको नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को इसका भनक तक भी नहीं लगने देना है।
जब तक आपका वह कार्य सफल नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चाहे आपके नई नई कार्य की योजनाएँ हो, या फिर मान लीजिए दोस्तों आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो, या फिर दोस्तों आपके घर में कोई ऐसे रिश्तेदार आ रहे हो जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिश्तेदार हो, तो दोस्तों ऐसे शुभ खबरों की सूचना आप किसी को भी मत दीजिएगा। इनसे भी लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ती है और जहाँ भी आप खुश होते हैं ऐसी बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है कि दोस्तों आपकी खुशियों को देखकर कोई इंसान यशमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उनकी काली नज़र आपके ऊपर पड़ जाती है, जिनके कारण दोस्तों आपसे भी किए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ गए हैं। इसलिए दोस्तों अवश्य आपको अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि अवश्य आपको अपने जीवनकाल में सबसे पहले दैनिक जीवन में दोस्तों अपने कार्यों को करने के लिए आपको शेड्यूल बनाने होंगे। सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों आप एक नियम बनाएं कि आप कौन सी कार्य को करेंगे। जी दोस्तों, हमेशा आप नियम बनाकर ही कार्य कीजिएगा। जी दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने कार्यों में लक्ष्य को निर्धारित करता है वह सफलताओं को जरूर ही प्राप्त करता है। दोस्तों अगर आपके जीवनकाल में कोई लक्ष्य नहीं है तो दोस्तों आपको आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको बड़ा मंजिल बनाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको छोटा मंजिल बनाना है, छोटे कार्यों को करना है। जी दोस्तों, अगर आप उन्हें करेंगे तो दोस्तों अपने दैनिक जीवन काल में आपको क्या करना है कि समय को सही सदुपयोग करना है। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि समय का सही सदुपयोग नहीं करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं और कल के काम को परसों पर टाल देते हैं और धीरे धीरे उनके जीवनकाल में समय बीता जाता है और घरों की स्थिति भी उनके जीवनकाल में बहुत ही ख़राब होने लगती है। और दोस्तों इन्हीं के कारण सूर्य का भी दोष होता है और दोस्तों इन्हीं के कारण शनि का भी दोष आता है। जो व्यक्ति समय का सही सदुपयोग नहीं करता है उनके जीवनकाल में सूर्य और शनि कभी भी अच्छा नहीं रहता है। इसलिए समय का हमेशा आपको सही सदुपयोग करना है। इसके उपरांत अगला जो गलती आपको नहीं करना है कि वह क्या करना है। दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में अच्छे संगत में रहना है, आपको अपने जो संग साथी है दोस्तों अच्छा संगत आपको बनाना है। जो भी व्यक्ति आपके प्रति अच्छा सोचता हो, दिल से अच्छा सोचता हो, जी हाँ दोस्तों जो व्यक्ति आपके लिए अच्छे हो, दोस्तों गलत संगत में आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। गलत सोच विचार आपको अपने मन में कभी भी नहीं लाना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी आपको दूसरों के कार्यों से नहीं जलना है। जी दोस्तों, ऐसा अगर करेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में आपको जो भी परेशानियां हो रही है, जो भी दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं वो परेशान बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। जी दोस्तों, कई बार दोस्तों आपके जीवनकाल में ऐसी घटनाएं होती है जहां पर दोस्तों आप असमंजस की स्थिति में भी कई बार पड़ते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी आपकी बात यह है कि आपके राशि के लोग जितने भी दिल से अच्छे होते हैं, जितने ही स्वभाव से अच्छे होते हैं, उतना ही दोस्तों आप लोग कर्म से और विश्वास से अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सबको बता दें कि कई बार आपके अच्छेपन ही, कई बार आपके भोलेपन ही आपके ज़िंदगी में समस्याओं का कारण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इतना दयालु किस्म के इंसान होते हैं कि दोस्तों आपके सामने कोई भी इंसान रोता हुआ दिख जाए तो दोस्तों आप अपना खाना छोड़कर उन्हें खाना खिलाने की भाव रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप सभी की राशि सबसे ज़्यादा कर्मशील राशि होते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यही कर्म कई बार आप सभी को मुसीबत में भी डाल देता है। कई बार दोस्तों आप खुद के ही नज़रों में गिरने लगते हैं इसी के कारण कि दोस्तों अगर आपके जीवनकाल में कोई व्यक्ति पेशा मांगने आते हैं या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति आपके जीवनकाल में कोई चीज़ उधार लेने के लिए आते हैं तो दोस्तों आप अपने जीवनकाल में इतने अच्छे होते हैं कि दोस्तों तुरंत ही उन्हें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति आपको 12 बजे रात को ही बुला दे तो दोस्तों आप अपने जीवनकाल में इतने अच्छे होते हैं कि आप अपने ध्यान को छोड़कर उनके कार्यों में लग जाते हैं, उन्हें मदद करने की सोचते हैं। तो दोस्तों अवश्य आपको अपने जीवनकाल में इन सभी बातों पर थोड़ा कम ही गौर करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गलत मत सोचिएगा कि हम आपको गलत बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंसान को सुनना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, कई बार इंसान को पहचानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की आप पहचान आखिर कब कर पाएंगे। दोस्तों आप ऐसे इंसान हैं कि कोई व्यक्ति आपसे पेशा मांगता है तो आप तुरंत ही उन्हें पेशा दे देते हैं बिना कुछ पूछे, बिना ही कुछ बोले। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में जब भी आप उस व्यक्ति से पेशा मांगते हैं तो
तो वह व्यक्ति अपना मुंह छुपाने लगता है, वह इंसान आपके सामने भी आना नहीं चाहता है। और दोस्तों बहुत सारे इंसान आपके सामने बहाने बनाने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका कहाँ भलाई हुआ? दोस्तों इनमें आप अपने ही चीज़ों को देखकर आप बुरा बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इस बात पर थोड़ा सा कम ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस व्यक्ति पर भरोसा करके तुरंत ही पेशा दे देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना होगा और यहाँ पर इंसान की पहचान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप उन्हें पेशा नहीं देते हैं तो वह इंसान का रिएक्शन क्या होता है, वह इंसान आखिर आपको क्या कहता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे। और दोस्तों अवश्य आपको अपने जीवनकाल में अपने भोलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। दोस्तों सोच समझ कर ही अब आपको अपना कदम बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि व्यक्ति अपने जीवनकाल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों वही व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं जो अपने जीवनकाल में हर कार्यों को करने से पहले सोचते हैं। इसलिए दोस्तों अब आपको सोचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगला गलती आप क्या करते हैं। दोस्तों अगला जो गलती आप अपने जीवनकाल में यह करते हैं कि दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, समय आपके लिए जब भी अच्छे होते हैं तो दोस्तों अपने खुशियों में मग्न रहते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको ईश्वर पर थोड़ा सा ध्यान देना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस धरती पर ईश्वर ने हमें जब भेजा है, हमें सब कुछ ईश्वर ने जब दिया है, तो हम उनके लिए अगर समय नहीं निकालेंगे तो फिर किसके लिए समय निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह गलती भी आपके जीवनकाल में पिछले कई समय से हो रहे हैं कि आप अपने कार्यों में व्यस्त हैं, आप अपने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें व्यस्त हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज से आपके जीवनकाल में कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, समय के साथ आपको ईश्वर पर भी ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आप सभी की राशि का जो स्वभाव होता है ईश्वर के प्रति कभी भी बुरा नहीं होता है। आप ईश्वर के बारे में कभी भी गलत भावनाएं नहीं रखते हैं। जी दोस्तों, आप ईश्वर को हमेशा दिल से ही मानते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ईश्वर के पास जाना दोस्तों आपको दिव्य शक्तियों का एहसास कराता है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो कि यह बात कमेंट करते हैं कि हम आपके बादशाह ईश्वर के पास गए, उनके समक्ष हमने अपने भावनाओं को प्रकट किए तो हमारे जीवनकाल में बहुत सारे अच्छे विचार आए हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे ओरा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको ईश्वर पर अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ज़्यादा समय अगर नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, तो दोस्तों दिन में से 10 मिनट का भी समय ईश्वर को देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज ही अपने जीवनकाल में आप इसको ज़रूर ही ऐड कीजिएगा। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको कौन सी गलती और भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जो गलती थी ये दोस्तों आपके जीवनकाल में थी। इसके उपरांत दोस्तों आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने जीवनकाल में और भी कौन सी ऐसी गलती है जो कि आपको नहीं करना है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके जीवनकाल में बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, आप हमेशा अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ती हैं। लेकिन दोस्तों कई बार आपके जीवनकाल में ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ पर दोस्तों आप अच्छा बनते बनते भी बुरा बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवनकाल में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, जीवनकाल में कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार आपके कार्यों को होते होते रोक देते हैं। कई बार आपके जीवनकाल में सब कुछ होने के बावजूद भी घर में अशांति होती है, घर में उतने पेशेदार होने के बाद भी पेशा आपके घर में नहीं टिकता है, यानी कि दोस्तों सुख समृद्धि आपके घर में नहीं रहती है। यानी कि दोस्तों इससे यह साबित होता है कि आपके घर से ईश्वर रुष्ट है या फिर आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत नहीं होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप अपने घर में कभी भी शाम के समय दोस्तों हल्ला गुल्ला नहीं करना है, शोर शराबे से आपको बचकर रहना है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि हमेशा देवी देवता शाम के समय घर पधारती है। जी दोस्तों, और शाम के समय ही देवी के आगमन में ही आप घर में शोर शराबे करेंगे, घर में शोर शराबा होगा, तो दोस्तों कभी भी ईश्वर आपके घर में नहीं आएंगे, कभी भी ईश्वर का वास आपके घर में नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब आपके जीवनकाल में आपको ऐसी बातों का खास ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें
कि आपको और भी कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि दोस्तों कभी भी आपको पशुओं को, पक्षियों को, कभी भी कोई ऐसे प्राकृतिक चीज़ें हैं जिन्हें आप क्षति पहुंचाते हैं जाने अनजाने में, तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, यदि आपके द्वार पर कभी भी शाम के समय गौ माता या फिर दोस्तों गौ देवता आते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि उन्हें भोजन ग्रहण अवश्य करवाना है। और दोस्तों अगर आपके द्वार पर आते हैं, अगर आप उन्हें नहीं खिला सकते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ये नहीं खिलाएं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें मारकर भगा देते हैं, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। इनसे दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा रुष्ट होती है। और दोस्तों जो भी जातक अपने जुनकाल में ऐसी गलती करता है तो दोस्तों उनके जुनकाल में धन की देवी माता लक्ष्मी उन्हें दंड भी देती हैं और उन्हीं के कारण उनके जुनकाल में धन की समस्याएँ बढ़ने लगती है, बरकत होना रुक जाती है। तो दोस्तों ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों हम आप सबको बता दें कि आपको अपने जुनकाल में स्त्रियों का अपमान नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अवश्य अपने जुनकाल में आपको अपने घर की सभी स्त्रियों को सम्मान देना है। और दोस्तों बाहर में भी जहाँ पर भी जाते हैं, जिससे भी आप वार्तालाप करते हैं, अगर वह स्त्री है तो उनको आपको भरपूर सम्मान देना है, कोई भी अपशब्द नहीं कहना है। जी दोस्तों, चाहे कोई भी स्त्री हो, माँ, बहन, बेटी या समाज की कोई भी स्त्री हो, दोस्तों गलत शब्दों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके शनि भी खराब होते हैं और साक्षात माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। कि दोस्तों हिंदू पंचांग में और हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन काल से ही ये चीज़ चली आ रही है कि देवी में, माता देवी का वास स्त्रियों में होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें अपशब्द बोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को एक बात बता दें कि आप दोस्तों अपने जीवन काल में जो भी कार्य करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताते हैं, इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने जीवन काल में और कौन से अच्छे चीज़ों को करना है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने घर में गाने सुनते हैं तो सुबह सुबह आपको अपने घर में कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि उसे हमेशा ही पैर पर नहीं लगाना चाहिए, कभी भी भूल कर भी ऐसा ना करें। कि दोस्तों झाड़ू का जो कारक है वो माता लक्ष्मी है। जी दोस्तों, इसलिए धन की देवी माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो झाड़ू को हमेशा ही सीधा करके रखें और ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर इंसान की सीधी नज़र ना जाए। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी उनको पैर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन्हें अगर आप करेंगे तो दोस्तों आपके घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। दोस्तों ऐसा करने से धन की हानि होती है और माता लक्ष्मी घर से निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, घर में अशांति फैलने लगती है। साथ ही हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि घर में आपके जो भी जूते चप्पल हैं इधर उधर बिखरे नहीं होना चाहिए। दोस्तों अपने जुनकाल में आपको अभी इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अब आपके जुनकाल में ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आप शिव को बता दें कि पूजा सुबह 6 से 8 बजे के ही बीच करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुँह करके बैठना है और दोस्तों पूजा आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप शिव को बता दें कि पहली रोटी आपको गाय के लिए ही निकालनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे दोस्तों जो भी आपके इष्ट देवता हैं वो प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही साथ दोस्तों माता लक्ष्मी और आपके जो देव हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों अपने जुनकाल में एक और महत्वपूर्ण बात का आपको ध्यान रखना है कि आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्र चीज़ों का, जो भी पवित्र चीज़ें हैं दोस्तों उन्हें मुँह से फूंक नहीं मारना चाहिए। और मुँह से फूंक मारकर जो भी इंसान उन्हें बुझाते हैं दोस्तों उनके जुनकाल में कभी भी सुख समृद्धि और बरकत नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें जो कि जितना संभव हो ईशान कोण के हिस्से में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसको उपरांति हम आप सभी को बता दें कि मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें अर्थात आगन्य कोण में। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वातिक बनाएं, ये बहुत ज़्यादा शुभ होती है।
माता लक्ष्मी का आगमन का प्रतीक होती है। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने शुरू हो जाती है, कार्यों में बाधाएं आने शुरू हो जाती है। बहुत सारे दोस्तों ये बुरे संकेत हैं, इसलिए इस बात का आपको अपने जीवन काल में अब ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में एक बार जरूर ही समुद्री नमक अथवा सिंघा नमक से घर में पोंछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से हटती है और जो भी दुश्मन आपके ऊपर बुरी शक्तियां छोड़ते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां छोड़ती हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलती है। साथ ही साथ कोशिश करें कि सुबह के प्रकाश की किरणें आपके पूजा के घर में जरूर ही पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। इसको उपरांत हम आप सभी को बता दें कि प्रतिदिन अगर तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध की छींटे मारें तो घर में बीमारी का प्रकोप कम होता है। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे को थोड़ा सा दूध चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। प्रतिदिन शमरिय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर में पहुँचा करना से दोस्तों मानसिक शांति होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप सप्ताह में सेंघा नमक से कर रहे हैं तो दोस्तों वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि शमरिय थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर मुख द्वार के दोनों ओर डालें, इससे सुख शांति घर में वास करती है और धन की देवी आपके घर की ओर आगे बढ़ती है। मुख्य द्वार के पर्दे के नीचे कुछ घुंघरू बांध दें, इसके संगीत से आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। प्रतिदिन शाम को पीपल के पेड़ में थोड़ा सा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये दोस्तों अगर आप नहीं प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं तो दोस्तों शनिवार और मंगलवार के दिन जरूर ही चढ़ाएँ। दोस्तों वहाँ पर दीपक जलाएं, आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। और दोस्तों आप जब भी ये क्रिया करें तो पीपल के पेड़ की आप 5 परिक्रमा जरूर ही लगाएं, इससे आपकी जो भी मन की मनोकामनाएं हैं वे शीघ्र ही पूरी होंगी और घर के जो भी बुरे दोष है वो खत्म होंगे। दुश्मन जो आपको परेशान करते हैं वे आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों इन कुछ बातों का ध्यान आपको अपने जीवनकाल में अब रखने हैं। और दोस्तों जो गलती हम आपको बताए हैं उन गलतियों को आप भूल कर भी नहीं करना है, इसे दोस्तों आपका आने वाला समय बहुत ही सुखमय रहने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो भले ही बड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों ये सभी ज्ञान आप सभी के लिए, इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। धन्यवाद।